मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैम गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस यस। और स्क्रीन 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 शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है? यस। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। देखो बेटा, लिसन बेटा, आज हमने क्या करना है, इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहले हमने पोइम की थी, फर्स्ट पोइम। आज चैप्टर है हमारी, एक स्टोरी है, वो हमने फर्स्ट स्टोरी करनी है। सबसे बेटा बेटा सबसे पहले मेरी बात सुनो, सभी बच्चे म्यूट हो, किसी बच्चे ने शोर नहीं करना बेटा। बेटा किसी भी बच्चे ने शोर नहीं करना। देखो बेटा, आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, द सीड। कौन सा चैप्टर है? द सीड। जप जी बेटा, सबसे पहली टर्न आपकी है, आपने इसकी रीडिंग करनी है फर्स्ट पैराग्राफ की। जप जी मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम यस। हां जी मैम यस। हाँ जी, फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करो बेटा। प्रनीत और प्रदीप, बेटा लड़ाई नहीं करनी। प्रनीत, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? बेटा दिस इज रॉन्ग। आप अपने ब्रदर को कैसे पुश कर रहे हो ऐसे? दोनों बच्चे आराम से बैठे रहो और चैप्टर देखो। सभी बच्चों ने बुक्स ओपन कर ली? मैम यस। हाँ जी, चलो बेटा आप रीडिंग शुरू करो। बेटा जप जी, जप जी फिफ्थ जैस्मिन, बेटा आप रीडिंग शुरू करो। आपके पास बुक है ना? जप जी की शायद आवाज नहीं आ रही। बेटा कोमल शर्मा, आप रीडिंग शुरू करो। कोमल शर्मा, द सीड जो चैप्टर है बेटा, इसकी रीडिंग करो। मैम यस। मैम ओके। चैप्टर नंबर वन, द सीड। Long, long ago in China, there lived a witch, improved one dark red had turned the color of pure and snow. He was old and it was time
for him two choices success. He had many son and godson. Godson two choice from the improved field that power and wealth had made their lazy. He want appoint someone outside the family. हाँ जी बेटा स्टॉप बेटा आप सभी बच्चों को रीडिंग नो नो भी रीड करना है नो 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 बेटा देखो सभी बच्चे देखो एक कोमल शर्मा ने रीडिंग की है बहुत अच्छी की है पर एक दो वर्ड बेटा जैसे चॉइस बोला है आपने वो चॉइस नहीं है बेटा चूज है चूज ठीक है देखो बेटा मैं इस पैराग्राफ की रीडिंग करती हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुनो लवनीत आपको सुनाई दे रहा है बच्चे हाँ जी देखो बेटा मैं रीडिंग करती हूँ सभी ने सुनना है ठीक है प्रदीप और प्रनीत आपने भी शोर नहीं डालना देखो लॉन्ग 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 अगो इन चाइना देयर लिव्ड अ वाइस एम्पायर हुज वंस डार्क ब्रेड हैज टर्न द कलर्स न्यू फॉलन स्नो के काफी लंबा समय पहला बेटा एक बहुत ही सियाना राजा रहता था जिसकी अब काली चोटी गुत चाइना के एम्पायर है वो गुत करते हैं ना अपने देखा होगा चोटी बनाते हैं उनकी जो काली चोटी थी वो अभी वाइट स्नो के जैसी वाइट हो चुकी थी ही वॉज ओल्ड वो बूढ़ा हो चुका था एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर तो अभी उनके उसके पास जो टाइम कौन सा था कि उसने अपना आगे कोई सक्सेसर चूज करना था जिसको वो उत्तराधिकारी बना सके आल्दो ही मेड मेनी सन्स एंड ग्रेट सन्स टू चूज फ्रॉम द एम्पायर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैज मेड हिज हायर लेजी एम्पायर के पास बेटा उसके बेटे और पोते भी थे जिनको वो राजा बना सकता था उनको चूज कर सकता था पर बेटा जो एम्पायर था वो उसको उसको लगता था जो उसके बच्चे हैं जो उसके पोते हैं उनको उसके पैसे ने पावर ने उनको लेजी बना दिया है बिल्कुल लेजी है वो ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली वो किसी आउटसाइड को अपनी फैमिली के बाहर के बंदे को ठीक है जो बहुत ही ईमानदार हो अच्छा हो उसको नेक्स्ट एम्पायर बनाना चाहता था ठीक है पता चल गया बच्चे मैम यस हाँ बेटा अभी कोमल शर्मा आपको मिस्टेक पता लगी ना एक तो बेटा एम्पायर होता है एम्पायर नहीं होता एम्पायर दूसरा जो आपने चॉइस बोला था उसको चूज बोलना है बच्चे ठीक है मैम ओके लवनीत नेक्स्ट पैरा लवनीत रीड करो बच्चे मैम ओके लाउड ड्रीम्स क्लाउड कॉल्ड मैम ये क्या है gathering of a young man to the temple at the top of the mountain when the arrived the emperor sat on a इम्पेरर ना बोलो बेटा इम्पेरर वो आप मतलब के इसको एम्परर बोलते हैं एम्परर एम की साउंड एम्परर हाँ एम्परर एम्परर स्टेड स्टेटेड ऑन अ मैग्निफिकेंट थ्रोन थ्रोन नहीं बेटा थरन अनाउ थरन Announced it is a time to choose the next emperor. Very good बेटा देखो बेटा ला तो जब राजा ने डिसाइड कर ही लिया कि बाहर से किसी को मैं नेक्स्ट राजा बनाऊंगा है ना अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बनाऊंगा ठीक है मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग
मैम गुड मॉर्निंग क्या मेरी फोन जो ऑन हुई है मैम म्यूट ऑन मैम शादी मैम शादी क्लास फोन जो ऑन हुई है कोई बात नहीं बेटा मैं अभी शुरू ही किया है अभी मैम ओके देख कितने मैम थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम आपकी आवाज 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 नहीं आ रही हाँ जी अभी देखो अभी आ रही है मेरी आवाज मैम यस लाउड नेक्स्ट देखो बेटा लाउड ड्रम कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन ये पहला लवनीत ने पढ़ा है देखो बेटा लवनीत आपको जिस वर्ड में कंफ्यूजन थी आप सुनो सभी लाउड ड्रम्स कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ मैन टू ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन जब बेटा लाउड ड्रम बजा तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई कहाँ पे माउंटेन के ऊपर चोटी पे माउंटेन के ऊपर ठीक है When they arrived, the emperor seated on a magnificent throne. जब बेटा वो वहाँ पे पहुंचे तो जो राजा था वो एक अपने मैग्निफिकेंट अपने अच्छे सिंहासन पे बैठा था एंड अनाउंस्ड उसने अनाउंस्ड किया इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्पायरर उसने बोला कि अभी जो समय है वो हमारा नेक्स्ट एम्पायर को चूज करने का है मैंने नेक्स्ट राजा चूज करना है द शॉक्ड टाउन मैन व्हिस्पर्ड अमंग देमसेल्फ नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर वो जो शॉक्ड होता है हैरान होना है ना बेटा टाउन्समैन जो शहर में रहने वाले लोग थे व्हिस्पर्ड आपस में कानाफूसी करने लगे ठीक है टाउन्समैन थे वो हैरान होके आपस में बातें करने लगे क्या बात की उन्होंने नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ द एम्पायरर कंटिन्यूड एम्पायरर जो राजा है उसने आगे बोलना शुरू किया टुडे ईच ऑफ यू विल टेक सीट आपने आज सभी ने एक सीट लेना है इट वन In one year, you will bring your plant to the temple. और आपने एक साल बाद उस प्लांट को जो सीड का प्लांट बन गया उसको आपने टेम्पल में लेके आना है ठीक है एक साल बाद नेक्स्ट बेटा अभिलाषा रीडिंग करो अ गोल्डन बाउल से यहाँ से रीडिंग करो अभिलाषा बेटा अनम्यूट पहले अनम्यूट हो जाओ हाँ जी अभी रीडिंग करो अ गोल्डन बाउल लीड विद द सीड वाज सेट बिकॉज़ द गॉड ईच पर्सन लुक जस्ट वन सीड अ यंग मैन नेम्ड हाँ जी सन Such was
यंग लियन जोन लास्ट इन लाइन हां लास्ट ही हां जी ही चूज हिज सीड केयरफुली हां जी होल्डिंग इट हां जी टाइटल टाइटल इन टाइटली बेटा टाइटली हां टाइटली इन हिज फर्स्ट ही रेन होम टू टेल हिज मदर शी लिसन टू द स्टोरी एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड व्हाइट porcelain बाउल बस रुक जाओ स्टॉप बेटा देखो बेटा अब देखो एम्पायर ने जब सभी को बोला कि सभी ने एक एक सीड उठाना है तो एक सभी ने अपना अपना सीड वहां से ले लिया गोल्डन बाउल से ठीक है तो एक यंग मैन जिसका नाम चुन था वो लाइन के एंड पे था ठीक है जो अभी इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको है ना तो वो जो लड़का था उसने भी अपना सीड लिया और अपनी फिस्ट अपनी मुट्ठी में टाइट पकड़ लिया उसको अपनी मुट्ठी में उसको टाइट पकड़ लिया ठीक है ही रेन होम टू टेल हिज मदर अब वो घर की तरफ दौड़ा अपनी मम्मा को बताने के लिए ही लिसन टू स्टोरी शी लिसन टू द स्टोरी एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड वाइट पोर्सिलिन बाउल उसकी मम्मा ने उसकी पूरी कहानी सुनी कैसे ऐसे करके राजा ने उसको बीज दिया है ना उसको उगाना है साल बाद टेम्पल में लेके जाना है तो उसकी मम्मा ने उसकी पूरी स्टोरी सुनी तो उसको एक वाइट एंड ब्लू कलर का पोर्सिलिन उनके होता है चीनी चीनी होते हैं ना चीनी वो मिट्टी को बहुत सॉफ्ट बेस वो बनाया होता है ना चीनी का बाउल दिया उसको नेक्स्ट बेटा मनजोत सिंह चुन चुन प्लेस्ड टेबल्ड चलो बेटा चुन चुन से शुरू करो मनजोत सिंह आईडी 2276 मैम यस मनजोत सिंह बेटा रीडिंग शुरू करो क्या बोल लो मैम मैम यस बेटा आपको आवाज आ रही है मनजोत सिंह मैंने आपको रीडिंग को बोला है मैम कट कट के आ रही थी अभी आ रही है ना चलो रीडिंग शुरू करो बच्चे मैम मैम कौन सा पेज आपने देखो बेटा आपको शो हो रहा है एरो यहाँ पे मैम यस हाँ जी आप चुन से लग जाओ चुन प्लेस्ड पेबल यहाँ से बेटा देखो चुन प्लेस्ड आपके पास बुक हाँ जी बेटा चुन प्लेस्ड प्लेस्ड हाँ जी पेबल्स एंड Demo showed in the bowl and tenderly planted his sheep बेटा आपकी कौन हेल्प कर रहा है उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है मुझे वो भी बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं चलो नेक्स्ट लाइन करो बच्चे ईच डे ईच डे चुन चुन बेटा ईच डे चुन Which day, Chunna? हाँ जी.
carefully watered the seed. हाँ जी. He watched and waited by What nothing happened. Happened. हाँ जी रुक. Others. Talked बेटा talked. About. हाँ. Their plants. That were. Pushing up. Through the soil weeks and weeks passed joins the seed did not sprout. हाँ जी देखो बेटे इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है. ठीक है उसकी मम्मा ने उसको व्हाइट एंड ब्लू बॉल दिया है ना चीनी का. फिर उसने बेटा अपने जो बाउल था उसमें पेबल्स थोड़े तो कंकर डाले थोड़ी सी मिट्टी डाली और अपने बीज को उसमें प्लांटेड कर दिए. व्हील जैसे हम बीज बीजते होते हैं. ठीक है उसको प्लांट कर दिया प्रॉपर वे से. ईच डे वो उसको पूरी तरीके से केयरफुली वाटर दे रहा था सीड को. ही वॉच्ड एंड वेटेड उसने उसको देखा और वेट किया. बट नथिंग हैपन्ड पर कुछ नहीं हुआ. जैसे हमारा प्लांट तो 3-4 दिन में बाहर आ जाता है ना. उसका प्लांट का वो सीड को देखता रहा उसको तो कुछ भी नहीं हुआ. अदर टॉक्स अबाउट देयर प्लांट जो बाकी थे अपने प्लांट के बारे में बातें कर रहे थे. दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सोल वो बातें कर रहे थे कि हमारे पौधे तो मिट्टी से बाहर आ गए. वीक्स पास्ड एंड स्टिल जोन्स सीड डिड नॉट स्प्राउट. वीक काफ़ी हफ्ते लंघ गए बट क्या हुआ चुन का जो सीड था वो उगा ही नहीं बिल्कुल नहीं उगा है ना. चलो यहाँ तक पता चल गया सभी को. हाँ जी हाँ जी बेटा देखो नेक्स्ट. बस की पॉइंट नेक्स्ट देखो बेटा आपकी रॉबिन बेटा आपकी टर्न है. समथिंग से लग जाओ बेटा. समथिंग रॉन्ग चुन थ्रॉट व्हाट ही डिड नॉट गिव अप एंड कैप्ट वॉटरिंग हिज सीड Other man in the village were transplanting their original plants into bigger containers. Chunna thought he must have done something wrong. He prayed in the temple for a miracle. हाँ देखो सुनो बेटा बस म्यूट कर लो. ठीक है बेटा फिर क्या हुआ बेटा समथिंग उसको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है. चुन को लगा समथिंग्स रॉन्ग कि कुछ गलत है. बट ही डिड नॉट गिव अप पर उसने हार नहीं मानी. एंड केप्ट वॉटरिंग हिज सीड अपने सीड को ऐसे पानी देता रहा. अदर मैन इन द विलेज आर ट्रांसप्लेटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट इनटू बिगर कंटेनर. पहले देखो छोटे बाउल में लगाया हुआ था
अभी जो ग्लेजर्स थे अपने प्लांट को बड़े बाउल में लगाना, उन्होंने ट्रांसप्लेटिंग करना शुरू कर दिया। चुन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, चुन को लगने लगा कि मैंने कुछ गलती की है। ही प्रेयर टू द टेम्पल फॉर द मरेचर, उसने टेम्पल में भी अपने पौधे के बदने के लिए प्रेयर करनी शुरू की। सिक्स मंथ वेंट बाय एंड स्टिल नथिंग ग्रू इन हिज ब्लू एंड वाइट बाउल। सिक्स मंथ चले गए पर उसके ब्लू एंड वाइट बाउल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है प्रदीप सिंह, प्रदीप आपकी वीडियो रुकी हुई है बेटा। चलो ऐसे करो हरवीर, हरवीर बेटा सिक्स मंथ से अपनी रीडिंग शुरू करो। हाँ जी हाँ जी, हरवीर अनम्यूट हो जाओ। हो गए हाँ जी। सिक्स मंथ्स वेंट बाय एंड स्टिल नथिंग grey in his blue and white bowl. Could I have killed my seed with too much water? He wandered all around in the village. There were containers filled with the wonderful looking plants. Bas, very good. Shabash Harveer. Very good, bitch. Thank you. हाँ जी बेटा देखो, six month चले गए पर उनके उसके blue and white bowl में कुछ भी नहीं होगा, है ना? Could I have killed my seed? आवाज नहीं आ रही बेटा। उसको लगने लगा क्या मैंने ही अब ज्यादा पानी दे के मच बटरिंग करके अपने प्लांट को मार दिया। ऑल अराउंड द विलेज देयर वर कंटेनर फिल्ड विद द वंडरफुल लुकिंग प्लांट। पूरे विलेज में बेटा बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट उगे हुए थे, कंटेनर फिल थे उनके अच्छे अच्छे प्लांट के साथ, है ना? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। एकनूर सिद्धू, नाउ इज योर टर्न बेटा। स्टार्ट द रीडिंग। बट द चूजर सीडर हैड नॉट यट स्पॉटेड स्प्राउटेड sprouted the 1 year mark arrived and it was time to carry the plant up to mountain to the temple. हाँ जी, तो बेटा अब देखो एक साल चला गया है ना, पर उसका सीड तो बेचारे का उगा ही नहीं, तो क्या हुआ ये मार्क वापिस आ गया, जो राजा था वो वापिस आया। ठीक है, इट वॉज अ टाइम टू द प्लांट अप द माउंटेन टू द टेम्पल, जो टेम्पल पे माउंटेन था अभी वो टाइम था जब हमने अपना उन्होंने अपना पौधा वहां पे लेके जाना था। ठीक है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट परनीत रीडिंग करोगे बेटा। परनीत आई एम से रीडिंग करो, आई एम नॉट आई एम I'm not talking. I'm not talking. I am not taking my empty bowl to the temple, Chun said his mother. Chun ने अपनी मम्मा को बोला कि मैं तो मेरा जो खाली बाउल है उसको ले ले टेम्पल में मंदिर में लेके नहीं जाऊंगा, है ना? गगन, गगन आपकी वीडियो भी नहीं शो हो रही बेटा, वीडियो ऑन करो अपनी। गगन मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गगन yes. हाँ जी बेटा, यहाँ से पढ़ो आप। यू मस्ट गो
यू मस्ट गो सी इंक्वायरी हैव डन यूज बेस्ट एंड मस्ट की यूज जूज नहीं होता बेटा यूर 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 ब्राउनीज प्रॉमिस हाँ जी तो चुन फाइट सैड एंड अ लिटल एम्बैरेस ही एम्बैरेस्ड एम्बैरेस्ड थोड़ा सा शाय फील करना शर्मिंदगी बन फील करना है ना ही केयरिंग ही कैरिड ही कैरिड हिज हिज एम्प्टी बाउल अप द स्टीप स्टोन स्टेप दैट लीड टू द टेंपल टेंपल हाँ जी तो बेटा देखो उसकी मम्मा ने उसको इंकरेज किया उसको हौसला दिया कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा तो करना ही है अपने मतलब राजे को तो ईमानदारी से बतानी है कि तुमने तो देखो बीज लगाया था है ना पर ये हुआ नहीं है ना उसने उसको इंकरेज किया कि तुमने तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है ठीक है और तुम जाओ आल द चुन फेल्ट सैड एंड लिटल एम्बैरेस्ड उसको थोड़ा शर्मिंदापन भी फील हो रहा था पर वो गया ठीक है वहां पे जब पहुंचा तो बहुत सारे प्लांट ग्रीन ग्रीन प्लांट थे काफी बहुत अलग अलग वैरायटी के ठीक है तो उसने अपना एम्प्टी बाउल जो खाली बाउल था उनमें छुपा दिया है ना फिर है नेक्स्ट कौन सा बच्चा रह गया बेटा बी रीडिंग के लिए नमन पांडे आज नमन पांडे कहाँ है हाँ जी अंतरपाल की भी टर्न आएगी अभी नमन पांडे आप भी टर्न म्यूट हो जाओ नमन पांडे मेरी आवाज आ रही है हाँ जी बेटा रीडिंग करो दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne as the stood up and walked around. He noticed the empty blue and white porcelain bowl behind a big plant. हाँ जी बेटा तो बेटा emperor ने बोला अपनी सीट से पे बैठे बैठे कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल बाउल से हैं बहुत ब्यूटीफुल प्लांट से हैं एज ही स्टूड अप जब वो खड़ा हुआ उसने वॉक करना शुरू किया तो उसने नोटिस किया एक ब्लू एंड बाउल वाइट बाउल को चीनी के बाउल को जो प्लांट्स के बीच छिपा पड़ा था है ना और उसने बोला व्हाट इज दिस ये बेरा बेटा मैं रीड करती हूँ फिर अंतरपाल की टर्न आएगी उसने बोला व्हाट इज दिस He questioned, holding the bowl in his hand. उसने हाथ में बाउल को पकड़ा और बोला कि ये क्या है चुन ट्राई टू हाइड चुन ने उसको छुपाने की कोशिश की बट दोज नियर हिम लाफ्ड उसके जो पास खड़े थे वो उस पर हंसने लगे एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड और उसको आगे की तरफ धक्का देने लगे जैसे आप बच्चे करते हो और अभी तेरी टर्न आ गई चल तू चल मैम के पास उसको पुश कर करके भेजते हो ना जो जिसका आपको पता होता है इसने थोड़ा लर्न नहीं किया उसको पुश कर कर बोलते हैं मैम इससे सुनो इससे वो भी ऐसी करने लगे है ना तो बेटा उसके बाद क्या होता है व्हाट इज योर नेम एम्पायर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है चन ने बोला माय नेम इज चन विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप उसने ऊपर नहीं देखा नीचे बुड़ बुड़ जा थोड़ा थोड़ा हौली हौली बोल माय नेम इज चन व्हाई डिड यू ब्रिंग मी
एन एम्प्टी बाउल की क्वेश्चन, उसने बोला कि तुमने ये खाली बाउल क्यों रखा है, उसने राजे ने पूछा कि तुमने यहाँ पे खाली बाउल क्यों रखा है, तो चुन्ने ने रिप्लाई किया माय सीड डिड नॉट ग्रो, चुन्ने रिप्लाइड आई फेल्ड, वो कहने लगा मेरा तो जो सीड था वो उगा ही नहीं, आई एम फेल्ड, मैं फेल हो गया, यू डिड नॉट फेल, राजा ने बोला, एम्पायर ने बोला यू डिडंट फेल, तुम फेल नहीं हो, लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड एंड टोल्ड हिम टू ऑल प्लांट देम, मैंने जो लास्ट टाइम ईयर मैंने आपको सीड दिए थे कि उनको प्लांट करना है, आपने उनको लगाना है, बट द सीड आई गेव यू हैड बीन बॉयल्ड, वो जो मैंने आप सभी लोगों को सीड दिए थे वो तो उबले हुए थे, नॉन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबिलिटी टू ग्रोन, किसी की भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई उग सके, ही रेज्ड हिज वॉइस एंड स्पोक द क्राउड, वो ऊंची चीख के आवाज में सभी लोगों को बोला कि मैंने तो जो बीज दिए थे वो तो उगने वाले है ही नहीं सके, ठीक है वो तो उगने वाले थे ही नहीं, व्हेन यू फाउंड आउट दैट योर सीड वुड नॉट स्प्राउट, यू सब्स्टिट्यूटेड अदर सीड, के जब आपको when you found out that your seed you would not sprout, जब आपको पता चला कि आपकी सीड उग नहीं रहे आपने उनकी जगह नमे प्लांट लगा दिए, only one person, सिर्फ यही एक बच्चा है जो honest है, had enough honest and courage है इसमें to bring the original seed, जिसने एक original seed को ही रखा, that is why चुन will be the next emperor, तो यही कारण है जो चुन है वो नेक्स्ट राजा बनेगा, तो अभी देखो उसकी ईमानदारी का उसको कितना बड़ा जो फल मिला है ना, पता चल गया सभी को, स्टोरी समझ आई? अंतरपाल बेटा आप लास्ट पैरे की रीडिंग करो, अभी लास्ट पैरे की, बेटा बाकी बच्चों ने नहीं बोलना, ओनली अंतरपाल बोलेगा, करोली हैं ओनली वन पर्सन हैड, मैम इनफ होनेस्टी एंड कोरियस Grace to bring me the original seed that will be the next emperor. That is great, and will be the next emperor. ठीक है बेटा, अभी देखो मेरे पास होना सभी बच्चे, देखो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? मैम यस, तो मैम यस, बच्चों ने इससे क्या सीखा, पहली पोइम थी उसमें आपने सीखा कि आपने हमेशा सत्य, उसमें आपने हमेशा अच्छा पता चलो मैम इससे हम सीखे हैं हमको हर एक काम ईमानदारी से करना चाहिए। हाँ जी हाँ, देखो अपनी किया हार नहीं मानी कि मेरा तो सीड उगी नहीं रहा बाकी के उग गए, तो आप तो देखो क्या करते होते हो, अगर आपको पता चल जाए मेरा तो काम नहीं किया हो जाए तो आप बहाना लगा देते हो, नोटबुक भूल आया है ना, तो उसकी कई बार आपको डबल पनिशमेंट मिल जाती है, आपने क्या कर? हमेशा बेटा सच बोलना है क्लास में आके, जो रीजन है वही टीचर के साथ, अगर आप ऑनेस्ट हो ईमानदार हो, हाय बाप रे,
आपको भी मतलब कि हमेशा सच्चाई का प्राइड मिलता है, जो ट्रुथ है वो हमेशा कुछ ना कुछ उसका रिवार्ड मिलता है। जो बच्चे आपको खुद को पता है, जो बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, ऑनेस्ट है, मुझे भी उनको दोबारा क्वेश्चन पुट नहीं करना पड़ता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, सच बोल रहे हो या झूठ, है ना।